2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बना रही है। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की अहम बैठक हुई। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा समेत संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में बूथ विस्तारक निधि संग्रह अभियान की समीक्षा हुई। इसके साथ ही 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों की रणनीति भी बनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, बैठक में बूथ विस्तारक और समर्पण निधि अभियान पर हुई चर्चा। बूथ विस्तारक के तहत लाखों बूथ को डिजिटल किया गया है। शर्मा ने यह भी बताया है कि 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस से 14 अप्रैल तक कार्यक्रम होंगे। बूथ विस्तारक अभियान और जो बूथ सशक्तिकरण को लेकर के हमारा अभियान था, साथ में ही समर्पण निधि के अभियान के साथ वर्ष भर चलने वाले ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर जो संगठन पर्व का जो हमारा वर्ष है, उसमें समापन के अवसर तक जो भी हमारी ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष का हमारा अभियान है, तो समारोह समिति और संगठन दोनों ने मिलकर के इसकी व्यापक रचना जो बनाई है, उन सारे मुद्दों पर आज समीक्षा और एक अनुवर्तन का हमारा आगामी समय का अभियान। जैसे बूथ विस्तारक योजना हमारा ऐतिहासिक एक डिजिटलाइजेशन ऑफ बूथ जो हुआ, यानी 64,334 बूथों में से 60,000 बूथ डिजिटल बूथ बन गए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान था। और जिसको हम लोग जानते हैं, आप सब लोगों को भी इस बात का मैंने बीच में उल्लेख किया है कि पूरे भारत के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने किया है। अब मुझे लगता है कि मैं किसी की आलोचना उनकी करने से मुझे कोई अर्थ नहीं है। मैंने बहुत पहले से कहा है, हम सकारात्मक राजनीति में, माननीय प्रधानमंत्री हमें कहते हैं, अरे हमें अपना काम करना है, हम तो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम किसी की आलोचना क्यों करें। वो उनको हमारी आलोचना में स्वागत बिल्कुल करें, हम क्या करते नहीं करते ये हम नहीं कहते, ये देश कहता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे